अब लगभग ये साफ हो गया है, महाराष्ट्र में एमएनएस शिवसेना और बीजेपी का कोई महागठबंधन नहीं होने जा रहा है। ये बात है कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सरकार के लिए काफी राहत भरी है। सूखे के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधने के बाद एमएनएस ने रविवार को बीजेपी को भी नहीं छोड़ा। राज ठाकरे ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि साठगांठ के चलते वो मुद्दों को नहीं उठाते हैं। जाहिर है राज के ये बयान बीजेपी को काफी नागवारा गुजरा। बीजेपी ने भी राज पर फौरन पलटवार किया। विपक्ष के नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि उन्हें ये आरोप साबित करना चाहिए, साथ ही कांग्रेस सरकार पर भी किया वार। महाराष्ट्र विधानमंडल में आज मैंने ये सरकार से मांग की कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं उसके अगर किसी के पास कागजात हो तो माननीय अध्यक्ष जी से दी जाए। और अध्यक्ष जी से मैंने विनती की है कि महाराष्ट्र के विधानमंडल की एक समिति नियुक्त करना चाहिए। मुझे जहाँ मेरे ऊपर आरोप लगे हैं और ऐसे आरोप जैसे कि जनता के सामने आता नहीं है। आज तक मैंने ईमानदारी से काम किया है, कई लोगों पर कठोर प्रहार किए और कई प्रकरण मैंने विधानसभा के असेंबली में रखे हैं, निकाले हैं। कई लोगों के जीके के जो प्रकरण है वो रद्द हुए हैं, एसआरए के प्रोजेक्ट रद्द हो गए, कई लोगों को इसमें क्रिमिनल एक्शन भी सरकार की ओर से ली गई, कई लोगों की जमीन भी सरकार ने वापस ली है और ऐसे में करोड़ों रुपये की जिनकी हानि हुई है, ऐसे लोगों पर भी षड्यंत्र हुई है। सरकार ने इसके बारे में